आपको सीधे अब ले चलते हैं बलिया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभा जारी है। अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए, और किस बर्बरता के साथ मारा गया था। बहन और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं कोई ना कोई अनर्थ होता है, हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है, और यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं आपके पास। हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हम लोग एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो कल्पना कभी देश के प्रथम स्वातंत्र समर के लिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने की थी, जो कामना चित्तू पांडे ने की थी, विकास की जो तड़प पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव चंद्रशेखर जी में थी, और मोहम्मदाबाद के समग्र विकास के लिए जो चिंतित रहते थे ऐसे कृष्णानंद राय के सपनों का मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश और भारत बने। मोदी जी और योगी जी यही प्रयास कर रहे हैं और इसी के लिए आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या की थी, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? बहनों और भाइयों, क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया वहां पर पूजा पाल के पति राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? या जया पाल के पति उमेश पाल क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी संकल्प, अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहां पे नीरज शेखर कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि यहां के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा भी यही संकल्प है। अब ये गाजीपुर से लखनऊ जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसका बलिया जा रहा लिंक एक्सप्रेसवे, इसी औद्योगिकीकरण के लिए ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इसीलिए बनाया है। यही फैक्ट्री लगेगी, यही नौकरी मिलेगी, यही काम मिलेगा। और अब तो आपके पास हाईवे भी, रेलवे भी, बगल में एयरपोर्ट भी, कई एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, गोरखपुर में, वाराणसी में, और साथ साथ मां गंगा है तो वाटरवे भी। वाटरवे का मंत्री हमारे प्रदेश में ये दया शंकर ही हैं। इसको थोड़ा समझाइए, कहिए कि निरुआ के साथ, निरुआ कोई फिल्मों में काम करने दीजिए, ये स्वयं मंत्री के रूप में काम करे। कह रहे हैं कि मुझे निरुआ के साथ गाना गाना है और उनके साथ डांस करते हुए फिल्म बनानी है।
हमने कहा भी देखो तुम्हें तो अपना वजन कम करने में ही 10 साल लग जाएंगे, तब तक तुम बूढ़ा जाओगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों आप देखिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है विकास भी होता है, निवेश होता है, रोजगार का सृजन होता है। नौजवान हमारा यही नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा, और यही तो हम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को 10 वर्ष में इसी बात को लेकर चमकाया है। और बहनों और भाइयों, सातवें चरण का अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कहीं हम जाते हैं, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही संकल्प है। हर ओर लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं क्या होगा तो जनता कहती है फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर। और यादवों में भी देना था, सब अपने खानदान के दे दिए, यानी सेफई के अलावा प्रदेश में कहीं नहीं। अरे कहीं निरुआ भी है, बीजेपी ने उनको बनाया। मैं तो मुंबई गया था, निरुआ वहां फिल्मों में काम कर रहा था, मैंने कहा भी निरुआ अरे मुंबई के लिए बहुत किया है, चलो गाजीपुर आजमगढ़ के लिए कुछ करो।